थिएटर एक एहसास में आपका स्वागत है। यहां पर आपको देखने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है और ये घटना मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी। मुझे रात के वक्त ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मुझे स्टेशन तक जाने में 7 किलोमीटर का सफर तय करना था। ये सफर मैंने साइकिल से तय करना था। ट्रेन लगभग मुझे रात के 11 बजे पकड़नी थी, तो मैं घर से लगभग 10 बजे निकला। घर से निकलने से पहले मुझे मेरे पापा ने यही कहा था कि रात के वक्त सुनसान से जा रहे हो, इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना। मैंने उनसे कहा कि परफ्यूम लगाकर जाने में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम लगाना या रात को दूध पीकर बाहर जाना, इससे भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं, इसीलिए बुजुर्गों ने ये करने से मना किया है। मैं वैसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए मैंने पापा को कहा कि आप सो जाइए, मैं चला जाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और यहां से एक सुनसान से निकलकर मुझे शहर की तरफ जाना पड़ता है। वैसे मैं रात के समय कभी शहर नहीं जाता, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए मैं रात के 10 बजे निकलने वाला था। जब पापा अपने कमरे में चले गए तो मैंने चुपके से परफ्यूम उठाया और खुद को लगा लिया। मैं सोच रहा था कि यहां से जाना है तो अच्छे से सज धज कर जाऊंगा और परफ्यूम लगाकर जाऊंगा। मैं पुरानी बातों को नहीं मानता। ऐसे ही मैंने परफ्यूम लगाया और मैं जल्दी से बाहर निकला। मैंने साइकिल उठाई और मैं चलने लगा। वहां से मैंने आवाज लगाई कि पापा दरवाजा अंदर से बंद कर लो। पापा वहीं खड़े देख रहे थे, वो मेरी तरफ घूर रहे थे। शायद उनको परफ्यूम की स्मेल आ गई होगी, लेकिन मैंने तेजी से साइकिल उठाई और वहां से निकल गया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे रास्ता नापने लगा। मेरे पास 1 घंटा था, वैसे भी साइकिल से आधे घंटे का सफर था वो, तो मैं धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। गांव से निकलते ही मैं उस सुनसान में पहुंचा। रात के वक्त मैं यहां से कभी नहीं निकलता। वैसे भी यहां पर कहानियां सुनाई जाती हैं कि यहां पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं कई बार यहां से निकल चुका था, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। शायद मैं कभी यहां पर रात को नहीं आया इसलिए, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैं गाना गुनगुनाते हुए वहां से निकलने लगा। ऐसे ही मैं वहां से जा रहा था, लेकिन तभी जैसे मेरी साइकिल की चेन उतर गई। ये हर रोज का काम था, मेरी साइकिल कभी कभी मुझे खराब करती थी, तो मैं साइकिल की चेन ठीक करने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल का स्टैंड लगाया और साइकिल की चेन मैं ठीक करने लगा, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से निकला हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई थी। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मुझे पापा की याद आ रही थी। पापा ने कहा था कि परफ्यूम लगाकर मत जाओ। वैसे भी इस इलाके पर भूत प्रेतों का साया कहा जाता है। तो मैंने जल्दी से साइकिल की चेन ठीक की और मैं साइकिल पर बैठा और वहां से निकलने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल तेज की और मैं वहां से निकलने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे बोल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं बड़ी ही तेजी से वहां से निकल गया। वहां पर पीछे से घुंघरू की आवाजें आ रही थी। वैसे मेरी साइकिल भी काफी आवाज करती थी, तो मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि मुझे भ्रम हुआ होगा। इसी तरह मैंने वो सुनसान रास्ता नाप लिया और मैं शहर पहुंच गया। मैं सीधा ही वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर ट्रेन आने ही वाली थी। मेरे दोस्त का घर वही ट्रेन स्टेशन के पास था, तो मैं वहां गया और मैंने साइकिल अपने दोस्त को दे दी। मैं भागता हुआ ट्रेन स्टेशन पर गया और वहां पर मैंने टिकट ली। ट्रेन बस 5 मिनट ही दूर थी और पूरा स्टेशन खाली था। मैं वहां पर बैठ गया। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे के पास कोई निकला हो। मुझे हवा सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। ये बड़ी ही अजीब सी बात थी। फिर से मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे आसपास हो। वैसे भी रात का समय था, तो मुझे लगा शायद मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है। मैं डर रहा हूं क्योंकि मैं निकलकर ऐसे ही रास्ते से आया हूं, और वैसे भी आते वक्त मुझे मेरे पापा ने डरा दिया था, तो मैं ऐसे ही हंसने लगा। 5 मिनट बाद वहां पर ट्रेन आ गई
और मैं ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन वहां पर कम ही समय रुकती है और लगता है रात को वो बहुत ज्यादा कम समय रुकती होगी, इसलिए मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। मैंने देखा मेरी पूरी बोगी खाली थी। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, रात का समय है, कोई बोगी में नहीं चढ़ता होगा, इसलिए मैं एक जगह पर जाकर बैठ गया। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। मुझे दूर जाना था और सफर लगभग 6 घंटे का था। 11 बजे वो ट्रेन चल पड़ी। मुझे लगा था सुबह 5 या 6 बजे से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये वक्त रात का था इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था। ये ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकती, इसलिए मुझे डर था हो सकता है कोई चोर उचक्का यहां पर चढ़ जाता हो। मुझे यही डर था इसलिए मैं जाग रहा था। ट्रेन में भी मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास से निकलता। मुझे कान के पास कोई आवाज ही सुनाई देती। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आता। मैं डर रहा था हो सकता है कोई भूत प्रेत मेरे आसपास हो। वैसे भी मुझे मेरे पापा की बातें याद आ रही थी। ऐसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वहां पर कोई नहीं था। मैं बाहर देख रहा था कि यहां पर तो कोई नहीं है, तो यहां से ट्रेन जल्दी चल पड़ेगी। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। तभी मैंने देखा एक लड़की उस बोगी में चढ़ी। वो लड़की मेरे बिल्कुल आगे आकर बैठ गई। बोगी में काफी अंधेरा था इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं पाया। वो लड़की बिल्कुल मेरे आगे आकर बैठी थी। उसने बहुत ही अच्छा परफ्यूम सा लगाया हुआ था। उसकी चोटी बहुत ही लंबी थी। जब वो मेरे पास से गुजर रही थी तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसकी चोटी पर ही गया। उसकी चोटी लगभग घुटनों तक आती होगी। इसी तरह ट्रेन चले जा रही थी। तभी मैंने देखा वो लड़की अपनी सीट से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। वहां पर अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया कि वो लड़की कैसी है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो मेरे पास आकर क्यों बैठ गई है। वो भी तो मुझसे डर रही होगी, लेकिन वो मेरे पास आकर क्यों बैठी है? कहीं वो कोई चोर ही तो नहीं? मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहां पर बहुत लाइट थी इसलिए मुझे अंदर नजर आने लगा। जब मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। एक तो वो इतनी खूबसूरत और उसके कपड़े जैसे चमक से रहे थे। उसकी इतनी लंबी चोटी उसने पकड़कर अपने घुटनों पर रखी हुई थी। मैं भी उसे देखकर हैरान था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आगे वाले स्टेशन में जाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा मुझे मेरे मम्मी के साथ जाना था, लेकिन मेरी मम्मी को चोट लग गई, लेकिन मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी है इसीलिए मैं जा रही हूँ। इसी तरह हम दोनों बातें करने लगे। इसी तरह हम बातें कर रहे थे और ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी फिर से बोगी के अंदर अंधेरा सा हो गया। मैं उससे बातें कर रहा था और वो भी मेरे साथ बातें किए जा रही थी। वो लड़की भी काफ़ी बातूनी लग रही थी। मुझे भी बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके साथ आकर बैठी हो तो आप खुद ब खुद बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ से है और क्या करती है। वो अपने बारे में बता रही थी कि वो पढ़ाई करती है और शहर में काम ढूंढने जा रही है। उसके बाद उसने बहुत ही हैरानी वाली बात कही। उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम इतने सुनसान में रात को साइकिल चलाकर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से डर सा गया था। आखिर उसे कैसे पता कि मैं साइकिल चलाकर आया हूँ? मैं थोड़ा सा डर रहा था कि उसे ये सब पता है। ये कौन हो सकती है? क्या ये मेरे गाँव से ही आई होगी? क्या ये मुझे फॉलो कर रही है या कोई चोर तो नहीं जो मुझ पर नजर रख रही हो? उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं साइकिल से आया हूँ? मैं तो शहर में ही रहता हूँ और ट्रेन पकड़कर आया हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम उस गांव से आए हो और साइकिल से ही तो आए हो, तुम्हारी रास्ते में चेन खराब हो गई थी। उसने जब ये कहा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आखिर उसे कैसे पता कि मेरी चेन खराब हो गई थी? मैंने उससे कहा नहीं, मेरी साइकिल की चेन नहीं खराब हुई थी, तुम्हें किसने कहा? तुम तो वहां नहीं थी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं वहीं थी,
मैं तुम्हारे पास ही तो थी, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? उसने जैसे ही ये कहा मैं अंदर से डर गया। मुझे लग रहा था ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। मैं इसी तरह डर रहा था और मैं एकदम से खड़ा हो गया। अब अगला स्टेशन आने वाला था और जैसे ही स्टेशन आया बोगी के अंदर लाइट ही लाइट हो गई। मैंने उससे कहा मुझे बाहर जाना है, जाने दो। तो उसने कहा तुम्हें यहां थोड़ी जाना है, तुम्हें तो आगे जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे उतरना है। तो वो खड़ी हो गई और उसने रास्ता दे दिया। उसने जैसे ही रास्ता दिया मैं उसके सामने से निकल कर गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से निकल कर गया मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ पड़ा। उसके पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती, किसी इंसान के पैर उल्टे नहीं होते, उल्टे पैर सिर्फ चुड़ैलों के होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से डरा सा दिया। मैं जैसे ही उसके आगे से निकला उसने हाथ आगे कर दिया। उसने कहा रुक जाओ, कुछ देर बातें कर लो। उसने जैसे ही ये कहा मैंने कहा मुझे जाने दो। इतना कहते ही वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। उसकी हंसी तो जैसे किसी डायन जैसी थी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि पूरी बोगी में उसी की आवाज गूंज रही थी। मैं काफी डर रहा था क्योंकि इस बोगी का दरवाजा पीछे वाला ही खुला था। यहां हर बोगी में दो दरवाजे होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। यहां पर आगे वाला दरवाजा बंद था लेकिन पीछे वाला खुला था। मुझे उसको पास करके पीछे जाना था लेकिन उसने तो हाथ दिया हुआ था। मैं डर रहा था कि मुझे वहां से जाना होगा। मैंने जैसे ही उसके हाथ को धक्का देने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं उसका हाथ हिला भी नहीं पा रहा। वो दुबली पतली सी लड़की लग रही थी लेकिन उसकी बाजू इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे एक इंच भी पीछे नहीं हिला पाया। मेरे मन में तो ख्याल आ रहा था कि मुझे उसी को तो पास करके आगे निकल के जाना है। मैं डर रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पीछे से भाग कर जाता हूं। मैं थोड़ा पीछे हुआ और उसे धक्का दिया। उसको धक्का तो दिया मैंने लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिली। लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ था तो मैं उसके नीचे से निकल गया। मैं जैसे ही उसके नीचे से निकला उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने मेरी टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन उसने टी शर्ट को नहीं छोड़ा। तो मैंने बड़ा ही जोर लगाया और मेरी टी शर्ट पीछे से फट गई। मैं इसी तरह से वहां बोगी से बाहर निकला। वो लड़की उसी तरह बोगी के अंदर थी। मैं उस बोगी के सामने से भाग कर गया तो मेरी नजर उस लड़की की तरफ गई। अब वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी बल्कि उसकी सफेद आंखें थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका चेहरा जैसे लाल सा हो गया था। वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन मैं वहां से भाग निकला। मैं जैसे ही वहां से भागा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं। ये पायल की आवाजें थी। मुझे लग रहा था जैसे वो डायन मेरा पीछा कर रही हो। मैं वहां से भागता जा रहा था। समय भी आधी रात का था तो मुझे स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं वहां से सीधा भाग रहा था। शायद वो भी मेरे पीछे भाग रही होगी। मुझे अब यकीन था ये डायन मुझे उसी सुनसान से फॉलो कर रही होगी। मुझे लगता था कि ये मुझे चिपक गई है, मुझे यहां से बचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये शायद भगवान की कृपा थी कि उस स्टेशन के बाहर ही एक मंदिर था। मैं सीधा भागकर उसी मंदिर के अंदर चला गया। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गया मुझे वो पायल की आवाज आनी बंद हो गई। वो पूरी रात मैं उसी मंदिर के अंदर रहा और जब सुबह हुई तब वहां पर पुजारी आया। मैंने पुजारी को सारी बात बताई तो पुजारी भी मेरी तरफ देख रहा था। उसने कहा चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह तुम्हारी पूजा करता हूं, तभी तुम्हारा निपटारा उस चुड़ैल से होगा। उसके बाद उस पुजारी ने मंदिर के अंदर मेरे साथ पूजा करवाई। वहां पर अब कई लोग आ गए थे और वो पुजारी सबको मेरे बारे में बता रहा था। मैं भी उससे कह रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तो उसने कहा पूजा के बाद तुम्हें ये माला गले में पहननी होगी,
उसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह उसने पूजा की और मुझसे एक रुपया भी नहीं लिया। उसके बाद सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं शहर की तरफ गया। मैं उसी सुनसान से वापस घर आया, लेकिन मुझे दोबारा कभी वो एहसास नहीं हुआ। आज भी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि उस दिन अगर वो चुड़ैल मुझे वहां रोक लेती तो मेरे साथ क्या होता, और अगर मैं उस मंदिर में नहीं जा पाता तो क्या होता। मैंने आज तक उस माला को गले से नहीं निकाला है, और मुझे नहीं पता अगर मैं उस माला को गले से निकालूंगा तो क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सच्ची भूतिया घटना है तो हमारे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।